हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर वन से रिलेटेड है, रियल नंबर्स। और ये बड़े मार्क्स से पूछा सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज अ रैशनल नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है एन का, पॉजिटिव इंटीजर का, जिसके लिए जो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन एक रैशनल नंबर फॉर्म करता हो। ये हमें शो करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें इसका उल्टा मान के लिए चलना होता है। लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ, उसका उल्टा मान लो हमेशा जो करना होता है ना ऐसे क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर बोल दिए, दैट इज ये जो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू क्या हैं, आपस में इंटीजर हैं और आपस मतलब इंटीजर हैं और आपस में को प्राइम है, और क्यू की वैल्यू क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। ये चीज़ आपको मेंशन ज़रूर करनी होगी। ठीक है, पी अपॉन क्यू ये चीज़ हमारे पास है। देखो, अगर वन बाई टू अगर आपका रैशनल नंबर है तो टू अपॉन वन भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, है कि नहीं। तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं और क्यू अपॉन पी कर देता हूं, तो ये वन अपॉन क्या हो जाता है, वन के अपॉन में आ जाएगा बस। तो ये भी एक्चुअली क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये चीज़ें मेरे को दिक्कत कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन कर दूंगा। तो रैशनलाइजेशन करना आपको सभी को आता ही होगा। क्या करते हैं, अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस था तो मैं नेगेटिव ले ले रहा हूँ। और यहाँ क्या है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, आपको पता ही होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो होता है ना। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर तो चलो वही बचा, प्लस क्यों लिख दिया, ये चीज़ बची ना ऊपर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और ये प्लस का एन है, ये माइनस का एन कटा, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस की टू। सो ये चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ ये मिल जाएगी। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, यहाँ पर हमारा क्या था, देखो क्यू अपॉन पी, ठीक है। सो इसको ढंग से लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम टू इधर आके क्या हो जाएगा, टू क्यू अपॉन पी, नेगेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर कुछ बोल देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर मैं सेकेंड बोल देता हूँ, और इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिला है ना, उससे मैं इनकी वैल्यूज़ निकालूँगा एलिमिनेशन मेथड लगाकर। ठीक है, सो देखो एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, सो सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एड
फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बताना है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जिसके लिए एन का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए एक रैशनल नंबर फॉर्म करता हो। उसी चीज़ के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐड करो, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट में रखो, और राइट वाला राइट में। ये पी अपॉन क्यू है और इधर है 2 क्यू अपॉन पी। सो देखो ये प्लस का है, ये नेगेटिव का कटा, यहाँ से जाएगा 2√(n+1) इक्वल टू पी अपॉन क्यू 2 क्यू अपॉन पी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। सो इस 2 को आप यहाँ लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब जब आपने प्लस किया था तो आपको √(n+1) की वैल्यू मिली है। अब आप क्या करो, माइनस कर दो। एडिंग करने के बजाय आपकी अब की बार क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और में से सेकंड वाला क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये फर्स्ट था, ठीक है, और ये सेकंड है हमारा। सो देखो नेगेटिव जब हम कर रहे हैं तो इससे ये कटेगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो 2√(n-1). और इसको भी मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, इसको कुछ छेड़ो मत, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है। तो ये बी मिल गया। अब ए और बी जो मिले ना, आप उसको ज़रा गौर से देखो ढंग से, क्योंकि सारा खेल अब यहीं से है। यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। तो जो इक्वेशन हमारा ए है और ये जो इक्वेशन हमारा बी आया है, यहाँ √(n+1) है और इधर √(n-1) है। तो ये एक रैशनल नंबर तभी हो सकता है जब इसके n+1 क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सपोज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ पा रहे हैं आप, जैसे 9√ होगा तो बाहर आके क्या होगा, 3, तो जाके ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर मैं अंदर लिख दूँ, रूट के अंदर लिख देता हूँ 3, सपोज़ करो n+1 सॉल्व करने पे 3 आता है, तो 3 थोड़ी ना एक रैशनल नंबर है, √3, तो ये तो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर n+1 मैं लेता हूँ 9 और इसके बाहर रूट लगाए तो ये 3 आएगा। अगर मैं n+1 ले लेता हूँ 2, रूट लगाए तो ये थोड़ी ना होगा रैशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर होगा। वही कॉन्सेप्ट इधर भी बन जाएगा। तो n-1 भी आपको क्या लेना है, एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, ऑलवेज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर लेना है कि नहीं। सो अगर अगर इसको रैशनल नंबर बनना है तो n+1 को भी और n-1 दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, तभी जाके वो एक रैशनल नंबर बन पाएगा। बट क्या कि कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव छोड़ो, दो रैशनल नंबर, क्योंकि देखो इसमें से अगर इस पे से तुम माइनस करोगे ना तो डिफर किसका आएगा, 2 का आएगा। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 का डिफरेंस होगा दोनों में, कॉमन आ जाएगा ना, 2 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट है कि किसी दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप करते हो ना डिफरेंस, तो कभी भी 2 नहीं आ सकता। अगर कोई दो परफेक्ट रैशनल नंबर है, सपोज करो मैंने पहला परफेक्ट 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 का मैं डिफरेंस करूँगा तो कभी भी 2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। सपोज करो और एक नंबर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, और 5 का क्या 9 होता है अगला, तो 9 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो कितना होता है, 5 होता है, तो डिफरेंस कभी 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। सो इससे ये पता चल रहा है कि मैं अगर इसको इससे माइनस करता हूँ तो डिफर कितना आ रहा है, 2। और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिफर, चाहे वो कोई सा भी ले लो, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर ले लो और उसको अगर आप डिफर माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आता है, बट यहाँ तो 2 आ रहा है। सो अब लास्ट में क्या लिखोगे,
देयर इज नो रैशनल नंबर फॉर विच रूट, जो भी आपका क्वेश्चन था, रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज अ रैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। सो बहुत ही शानदार और कॉन्सेप्टिक बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हमने आराम से कर लिया है।